जीवन को जीने से पहले जान दो रे, जान दो रे। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो पहचान साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ केवल सबका पेशा चलना है, यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध 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 प्रतिशोध। विक्रम को विदेश जाने से रोकने के लिए बलराज और अश्विनी उसके घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों विक्रम की हौसला अफजाई करते हैं। शालिनी और रघुनाथ के खिलाफ प्रतिशोध का ऐलान कर विक्रम घर से निकल जाता है। अश्विनी कृष्णकांत से कहती है कि रघुनाथ का साथ छोड़ना उनके लिए अकलमंदी का काम होगा। विक्रम बलराज और अश्विनी को लेकर अपने पुराने घर पहुंचता है। वहां पर तीनों अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा बनाते हैं। कृष्णकांत रघुनाथ को बताता है कि विक्रम जिस घर में रह रहा है वो घर शालिनी के नाम है। विशाखा विक्रम से मिलने घर आती है। विक्रम की तबीयत ठीक होते देख वो खुश हो जाती है। माई ये 10,000 है, कोर्ट जाने से पहले बल्लू ने अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाल कर दिए थे, कुछ खर्च हो गए, कुछ मैंने अपने पास रखे। रख ले इन्हें, इस वक्त तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। माई सच कह रही हूँ, रख ले, कल कमा कर दुगने दे देना। मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तजुर्बे में भी। तुम अपने आप को गलत मत समझना आशु, तुमने जो कुछ भी किया है एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए किया है, एक इंसान की जिंदगी को मोड़ देने की तुम्हारी कोशिश कभी नाकाम नहीं जाएगी। डर लगता है माई, विक्रम बहुत जज्बाती इंसान है, उसे पिघलने में वक्त नहीं लगता। इसी बात का ख्याल रखना चाहिए, पहले जज्बात में आकर उसने गलतियां की थी, अब कहीं जोश में आकर कुछ गुनाह न कर बैठे। कुछ दिनों के लिए विक्रम को इन सब बातों से दूर रखना होगा, यही उसके लिए ठीक रहेगा। तस्वीरों से भागकर कुछ नहीं होता अशु, तस्वीरों को हटा सकते हो, तोड़ सकते हो, मगर इनसे जुड़ी हुई तकदीरों को तो नहीं बदल सकते। विक्रम को अपनी तकदीर बदलनी है। जानती हूँ। पोजीशंस बदली है, पावर्स बदली है, अब वो पहली वाली बात नहीं रही कृष्णकांत जी। आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो मिनिस्टर साहब के पीए हैं, कब कहाँ कौन सा प्यादा फिट करना है आप ही जानते हैं। ऊपर बैठे लोग तो सिर्फ दिखावा है दिखावा। नहीं कृष्णकांत जी, पिछली बार रीजनिंग अच्छी थी, विक्रम कपूर पर हमला हुआ था, इस बार उस सामान को हिलाना जरा मुश्किल नजर आ रहा है। आप ही का भेजा हुआ आदमी है, वो सिर पर बैठने लगा है, गुप्ते साहब से भी गया गुजरा है वो। कृष्णकांत जी बात ऐसी है कि कौन कितना ईमानदार है और कौन कितना बेईमान, ये किसी सूरत पर तो नहीं लिखा होता है ना जी। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें तंग ना करें। कोशिश करूंगा। वैसे मार्केट में अपनी कोई नई कारोबार आई है कि नहीं? जी फिलहाल कोई नहीं। ठीक है, पुरानी ही भेज देना, उसी से काम चला लूंगा। हाँ ये बात हुई ना, अब देखते हैं पंकज साहब की कंपनी हमें कैसे फाइनेंस नहीं देती। नाउ दे विल फील आवर प्रेजेंस। मगर इस पर इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी यार। हाँ कहाँ से लाए तुमने इतने सारे पैसे? अपने अकाउंट से निकाले। अकाउंट से? लेकिन ये तो बहुत महंगे होंगे, तुम्हारा अकाउंट तो इतना सा है।
सब कुछ लिख कर रखा है मैंने, किस चीज पर कितने पैसे खर्च हुए, एक एक पैसे का हिसाब लूंगी तुम दोनों से। मगर कुछ भी हो, हम लोग हैंडसम लगेंगे इसमें यार। मैं देखती हूँ। यार बल्लू, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है यार। क्यों? कहीं इस मीटिंग में मैं फेल ना हो जाऊं। वाह, अपने फेल होने पर इतना कॉन्फिडेंट आदमी मैं पहली बार देख रहा हूं। कैसी बात करता है तू यार। अरे तैयारी करने के लिए और 2 दिन है तेरे पास। देख देख, तू और किसी भी बात का टेंशन नहीं लेगा यार, तू सिर्फ अपने इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देगा। ओके, तुम्हारे लिए है। यहाँ? मगर हम लोग यहाँ हैं, ये किसे पता चला? देसाई, मेहुल देसाई। अरे ये तो अपनी कंपनी का लॉयर है। अपनी नहीं, उनकी कंपनी का लॉयर। क्या हुआ? रघुनाथ ने पहला तीर छोड़ा है, ये घर खाली करने का नोटिस है। या फिर इस घर की पूरी कीमत। पूरी कीमत? हाँ, 15 लाख। क्यों परेशान हो रहा है बल्लू? 15 लाख बहुत मामूली रकम है। मैं अभी जाकर। कहाँ जाएगा तू विक्रम? विक्रम, अब 15 लाख रुपए तुम्हारे लिए मामूली रकम नहीं है। ये घर शालिनी जी के नाम पर है और लिखा है कि इसे खरीदने के लिए पार्टी भी तैयार है। झूठ, सब झूठ। वो लोग हमें रास्ते पर लाना चाहते हैं। मैं जाकर सामन से बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा वो। कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, लेकिन फिलहाल उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या हम इस घर को खाली कर दें? हाँ, वैसे कोई चारा भी तो नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, आप हम मेरे घर पर चलते हैं। मैं माई से बात कर लूंगा। और ये घर? ये घर उनके हवाले कर दें। उनके हवाले, जिनकी इस घर में कदम रखने की भी औकात नहीं है। इस घर की एक एक ईंट में, इस घर के एक एक कोने में मेरे पिताजी की यादें बसी हुई हैं। मंदिर है ये मेरे लिए, पैदा हुआ हूं मैं यहां। तुम लोग कह रहे हो कि ये घर उनके हवाले कर दे? क्या इसीलिए मुझे हौसला दिया था? क्या इसीलिए मेरा आत्मविश्वास जगाया था तुम लोगों ने? विक्रम ठीक कह रहा है बल्लू, हमें ऐसी कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे ये घर हमारे हाथों से ना जाए। मगर इन हालात में ये सब मुमकिन नहीं है आशु। अरे क्या है इसके पास, क्या है जिसे बेचकर ये इस घर को बचा सके? उस घर में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर इसका अधिकार हो। घर में नहीं है बल्लू, लेकिन ऑफिस में जरूर है। क्या? शेयर सर्टिफिकेट्स। कंपनी में मेरे नाम के शेयर्स हैं जिन्हें बेचकर हम ये घर बचा सकते हैं। मगर क्या वो लोग इतनी सीधी तरह तुम्हें ये सब दे देंगे? नहीं, इसलिए हम उस वक्त ऑफिस पहुंचेंगे जब ऑफिस में कोई नहीं होगा। मतलब? Look at the irony of life. हम अपने ही ऑफिस में चोरी करने जा रहे हैं। बैठ जाओ, करो, बैठ जाओ, करो।
खड़े हो जाओ। बलराज साहब आप चोरों की कौन कौन है तुम्हारे साथ बोलो। मैं हूं, मैं लाया मैंने अपने साथ। मलिक आप? आप और इस वक्त इस तरह? मजबूरी थी खान, चोर चक्कों की दुनिया में जीने का नया तरीका सीख रहे हैं हम लोग। खान पता नहीं तुम हालात से किस हद तक वाकिफ हो, मगर आजकल जो कुछ भी यहां चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारे मालिक अब मालिक नहीं रहे, कुछ लोग उनसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। बड़े मालिक का मकान बचाना था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम यहाँ पैसों की चोरी करने नहीं आए हैं खान, हमें सिर्फ वो कागजात चाहिए जिनके बलबूते पर हम वो घर बचा सकें। पर हम ये भी जानते हैं कि तुम कितने ईमानदार हो, तुम हमें ऐसा हरगिज नहीं करने दोगे। चल बल्लू। रुकिए, खान का ईमान जरा भी नापाक नहीं हुआ जो सच्चाई को ना समझ सके। लीजिए चाबियां। अगर इस वक्त मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो मैं ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। खान लीजिए, ये आपका हक है, लेकिन एक मेहरबानी कीजिए। क्या? मैंने यहां का नमक खाया है, मैं बाहर जाकर उस तरफ मुंह कर लूं। आप अपना काम शुरू कीजिए। खान ये तुम्हारा कर्ज रहा मुझ पर, इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। इन्होंने ही मेरे ऑफिस में चोरी की है। ये सब क्या है इंस्पेक्टर, कौन सी चोरी? डोंट एक्ट स्मार्ट। यू विक्रम कहाँ? ऊपर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नॉनसेंस। ये सब झूठ है, दिखावा है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। कल रात हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके अपने नाम के शेयर सर्टिफिकेट ले आए तुम। इंस्पेक्टर सर्च दिस प्लेस, यहीं कहीं मिलेंगे आपको वो शेयर सर्टिफिकेट्स। मेरे नाम के शेयर सर्टिफिकेट्स मेरे पास नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे इंस्पेक्टर साहब? और अपने सर्टिफिकेट्स अपने पास रखना कोई गुनाह नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन किसी के ऑफिस में रात बेरात घुसकर चोरी करना गुनाह है। चोरी? शायद तुम भूल रहे हो रघुनाथ, वो सर्टिफिकेट तो तुमने मुझे अपने हाथों से दिए हैं। ये सरासर झूठ है। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो डॉक्टर? इन्हें ब्लड प्रेशर काबू में लाने की कुछ दवा दो और कहो के खा के सो जाएं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है इन्हें डॉक्टर? अरे कुछ नहीं हुआ है, ये डॉक्टर डॉक्टर लगता है आपको? सब कुछ बनावटी है। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सब बनावटी है, इनका डॉक्टर, इनकी ट्रीटमेंट, इनके शॉक्स, ये सब सही है, बाकी सब झूठ है, है ना मिस्टर रघुनाथ? ये रहा मेडिकल सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट अरेस्ट देम। आई एम सॉरी मिस्टर रघुनाथ, इन्हें जॉन्डिस है और इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इंस्पेक्टर ये सर्टिफिकेट बनावटी है, फ्रॉड है। जॉन्डिस? इसका चेहरा पीला लगता है आपको? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों नजर आ रहा है रघुनाथ? और फिर
कोर्ट का फैसला सच हो सकता है, कोर्ट में पेश किए गए मेडिकल रिपोर्ट सच हो सकते हैं, तो फिर ये सच क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब आप आइए मेरे साथ। जाओ रघुनाथ जाओ, अपनी हिफाजत का इंतजाम करो। क्या पता ये चोर तुम्हारे सामने कब, किस वक्त और कैसे आ जाए। ये सर्टिफिकेट्स बेचो अश्विनी, और 15 लाख रुपए इनके मुंह पे मारो। अब इस घर का मालिक होगा विक्रम कपूर। हमारे मुंह पर तमाचा मारा है उन्होंने, मैं उस घर को बारूद छोड़ा दूंगा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, हमारा एक गलत कदम उनके लिए हथियार बन सकता है। मेरी ऑफिस में आकर मेरी तिजोरी से 20 लाख के डॉक्यूमेंट्स लेकर चला गया वो, और आप कह रहे कि मैं ठंडे दिमाग से काम लूं। हमारे ही हथकंडे अपना रहे हैं हमारे बच्चे, उनकी बर्बादी का रास्ता ढूंढना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो उनकी समझ के बाहर हो। कृष्णकांत, हेलो, क्या आवाज नरम लग रहा है सेठ आपका? कौन बोल रहा है? आपका गुलाम यशवंत राव। यशवंत राव? यशवंत राव? पूरा बिल्डिंग हिला होगा सेठ, आ रहा हूं तुमसे मिलने। नहीं यशवंत, तुम यहां मत आना, ठीक नहीं होगा तुम्हारे। मेरे लिए ठीक नहीं होगा या आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा? काम की बात करो। मुनावर की फैक्ट्री का लॉकअप तो करवा दिया आप लोगों ने। कहाँ मिले? शहर के बाहर। अपना मोबाइल ऑन रखना, जगह मैं बताऊंगा। ठीक ठीक। ये यशवंत कहाँ से अटक गया? मुनावर की खबर पढ़कर डर गया होगा, अपनी जान बचाने के लिए हमारी खुशामद करेगा। नहीं कृष्णकांत, इसका इरादा कुछ और ही है। हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं। सर्टिफिकेट्स बेचकर जो हमें पैसे मिले हैं उनसे हम ऐश नहीं कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल हमने इस घर को, इस घर की इज्जत को बचाने के लिए किया है, और इस बात के लिए हमें अपराधी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन महसूस कर रहा है? दिलावर जी तू बोले जा रहा है, तो फिर ये क्या बोल रही है? विक्रम, मुझे हमारी परवाह नहीं है, हमारी इस हरकत की वजह से अगर खान भाई को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ा तो? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, और फिर इसी बहाने रघुनाथ जी को पता तो चल गया कि हम लोग टकराने की ना सही लेकिन हथियार उठाने की तो ताकत रखते हैं। विक्रम, ये एस्टिमेट की टोटल बिल्कुल सही है, बस ये प्रपोजल एक बार पास हो जाए फिर देखना हम कैसा हंगामा करते हैं। मेरी तुम दोनों से एक सजेशन है। क्या? इस प्रपोजल की बात करते वक्त अगर हमें विक्रम के पिताजी का नाम लेना पड़े तो हम कतराएंगे नहीं। नो, आई डोंट अग्री। देखो, हमें सिर्फ फंड्स की जरूरत है, किसी के नाम के सहारे की नहीं। हम अपनी दिमागी ताकत से अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल करेंगे। हाँ हाँ, ये सब तो बात की बातें हैं विक्रम, लेकिन हम लोग काम किस नाम से शुरू करेंगे ये तो हमने सोचा ही नहीं है। हाँ विक्रम, हमारी कंपनी का नाम क्या होगा? त्रिमूर्ति ऑटोमोबाइल्स। पिताजी की कंपनी के नाम के सामने ये नाम बिल्कुल मामूली है, GK ऑटोमोबाइल्स। क्या नाम हो सकता है इस नाम के सामने? विक्रम। हाँ? विक्रम ऑटोमोबाइल्स। वाह, पिता के सामने बेटा खड़ा होगा। तो इसमें हर चीज क्या है बल्लू? अगर बेटा पिता से 4 कदम आगे निकल जाए तो ये पिता के लिए फक्र की बात होती है। She is right. और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम हमेशा उन कमीनों के सामने रहे, मेरी याद दिलाता रहे, मेरा वजूद महसूस कराता रहे, और मैं उनके होश उड़ाता। यशवंत, तुमने देखा था गाड़ी जैक से नीचे कैसे उतरी, और गजेंद्र नाथ का एक्सीडेंट किस तरह हुआ था? एक्सीडेंट?
हाँ एक्सीडेंट यस एक्सीडेंट क्या करे रघुनाथ जी, पापी पेट का सवाल था, सब देखना पड़ा, याद रखना पड़ा। मुनव्वर की शायद यही एक भूल थी, अपना तो बस एक ही उसूल है, गद्दारी या ईमानदारी हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये पाठशाला बंद करो, हमने मुनव्वर को नहीं मारा है। आप पर मैं भरोसा कर सकता हूं, लेकिन तब तक जब तक मैं, लेकिन अभी तो मेरी सांस चल रही है। यशवंत, मैं एक जुआरी हूं, बिना पत्ते देखे मैंने कई बार पैसे लगाए हैं और इसी को मैं खेल मानता हूं। बोलो क्या चाहते हो? मुनव्वर की जगह ऊपर या यहां? गंजेंद्रनाथ जी की हत्या का एक गवाही मैं हूं, और मेरी गवाही आपको ऊपर भी पहुंचा सकती है और नीचे भी दफना सकती है। हरामजादे, अपने औकात। सौदे के लिए ये सही माहौल है, चलो किसी ठंडी जगह चलकर बातें करते हैं। हाँ, तो मौके पर आए हो यशवंत, आओ आओ। अरे मुझे अपनी बात करने का मौका तो दो, जब से पी के सीट पे जा रही हो, झूठ बोला झूठ बोला। तुमने झूठ बोला है मुझसे, महेश हमारे साथ बाइक पर नहीं था, वहां दोस्तों से कहा माँ बीमार है, यहाँ आकर मुझसे कहा तुम्हारे बिना बोर हो गया था, इतने सारे झूठ, ये तुमने ठीक नहीं किया अमर, पता नहीं एक्सीडेंट का कि सभी सच है ये। अरे तुम्हें और क्या करता हूँ, पूरे कॉलेज में ढिंडोरा पीटे थे। हेलो हेलो, ओ भाई मेरी तरफ देखो, हाँ तुम्हें बताया मैं विशु से मिलने जा रहा हूँ, वो यही है। हाँ, और तुम्हें बताया कि विशु यहाँ नहीं होती ना, तो मेरा तो जी नहीं लगता, अब मेरा हो गया, अब तुम जाओ। क्या कर रहे हो, चुप रहो। क्यों, अब क्यों चुप रहो? तुम्हारे सब दोस्त जानते हैं, नाम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हाँ, सब लोग जानते हैं। तुमसे झूठ बोलते आने की क्या जरूरत थी, बता देते यहाँ आ रहे हो। ए हेलो, जरा मेरी तरफ देखना, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, अगर मैं तुमसे कहता कि महेश मेरे साथ नहीं था तो तुम हम हमें टेंशन ले लेती, अब जब मैं यहाँ लोगों को मेरी तरफ बुला बुला कर कह रहा हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरा जी नहीं लगता, तो मुझे चुप करा रही हो, तो मैं करूँ क्या? क्या हो रहा है सब? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है ये सब? सुन रही हूँ। हाँ तो जवाब दो, जवाब दो। अमर, क्या मुझे डर लगने लगा है? मुझसे या सच्चाई से?